मकानों को चिन्हित किया था, जिस पर आज नगर निगम ने मुराई मोहल्ला और लोहार पट्टी पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। शहर के करीब 125 खतरनाक मकानों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया। आज निगम द्वारा मुराई मोहल्ला और लोहार पट्टी के चिन्हित घरों को तोड़ा गया। कुछ रहवासियों द्वारा घरों में रखे सामान को निकालने नहीं दिया गया और अधिकारियों से अपील की कि वे उन्हें 2 दिन का समय दें, जिससे कि वह घर को खाली कर सकें। जर्जर मकान पे कार्रवाई चल रही है। अभी कौन कौन से मकान चिन्हित हैं? जो कार्रवाई है ये कुंचन मार्ग, मुराई मोहल्ला और एनजी रोड, इन जगह कार्रवाई हुई है। इसमें कि एनजी रोड में जो था वो पूरा मकान गिरा दिया गया है और मुराई मोहल्ले में है, उन्होंने खुद ने उतारना शुरू कर दिया था, तो कुछ का हिस्सा बचा था वो उन लोगों ने गिरा दिया है। यहाँ पर जो अपने कुंचन मार्ग पे जो मकान है, इसको ये जो व्यक्ति है स्वेच्छा से डिमोलिश करा रहा है, लेकिन जब ये मार्ग, ये मकान उसने हटाया, उसके पास वाला मकान हमें लगा कि वो चूंकि इसके साथ ही सपोर्ट में था, तो वो कहीं खतरनाक स्थिति में ना आ जाए, तो लग रहा था कि खतरनाक स्थिति में आ सकता है, लिहाजा उस मकान को हम लोग खाली करा रहे हैं और खाली कराने के बाद उसको हम लोग